निसान ने अपनी नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट को भारत में लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमतें 4,99,000 रुपए से शुरू होती हैं। इसके टर्बो पेट्रोल इंजन के वेरिएंट्स की कीमत 6,99,000 और 9,35,000 रुपए के बीच रखी गई है। सभी कीमतें एक शोरूम दिल्ली हैं और 31 दिसंबर 2020 तक ही मान्य हैं। कार को XC, XL, XV और XV प्रीमियम नाम के 4 वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसका 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 71 BHP देता है, वहीं 1 लीटर टर्बो इंजन 99 BHP बनाता है। टर्बो के साथ CVT के अलावा 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी दिया गया है। मैग्नाइट में वायरलेस एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। कार के टर्बो इंजन वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, साथ ही ABS, EBD और 2 एयरबैग मानक हैं। नई पीढ़ी की Hyundai i20 इस साल नवंबर में भारत में बिक्री पर गई थी और प्रीमियम हैचबैक की बुकिंग ने अब 25,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। कार को 6,80,000 रुपये एक शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया गया था और इसमें नए इंजन विकल्प, नए गेयरबॉक्स और कई तकनीक डाली गई हैं। कार को पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जबकि डिज़ाइन भी पूरी तरह से बदल गई है। नई Hyundai i20 को 4 वेरिएंट्स में पेश किया गया है और कंपनी ने पहले ही खुलासा किया था कि महंगे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा ट्रिम की ज़्यादा बुकिंग मिली हैं। कार के पेट्रोल मॉडल की भी ज़्यादा मांग है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है, जिसे XP100 कहा गया है। ये विशेष रूप से प्रीमियम कारों और मोटरसाइकिलों के लिए लाया गया है। नए XP100 की दिल्ली में कीमत 160 रुपये प्रति लीटर रखी गई है और 91 ऑक्टेन की तुलना में ये 77 रुपये महंगा है। नया XP100 पहले चरण में 10 शहरों में चुनिंदा पंपों पर उपलब्ध होगा। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना, अहमदाबाद और पुणे शामिल हैं। कंपनी दूसरे चरण में चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर सहित शहरों में इसका विस्तार करेगी। लेटेस्ट कार्स और लेटेस्ट बाइक्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।